बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मेरी बैक साइड पे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जैसा कि आपको इलम है कि मैं अभी बहुत सारी पोस्टें भी देख रहा था और बहुत सारे लोगों से मालूमात भी ली, तो स्वात खुला हुआ है, तो बाकी इलाके जो हैं खुले हुए हैं, बाकी कारोबार खुले हुए हैं, टूरिज़म ये जो इलाका है हज़ारा डिवीन इसे बंद किया हुआ है और सिर्फ नारा कगान के लिए दफ़ा 144 लगाई हुई है, लोगों को तंग किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर स्वात खुल सकता है, बाकी इलाके खुल सकते हैं, तो फजूल में मुकामी आबादी भी जो है उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। जैसे कि मैं आगे गाड़ी में एक में सफ़र कर रहा था तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर शदीद गर्मी से जो है तंग हुए थे। आपको इलम है कि यहाँ पर जो है एक एक घंटा जो है जो बंदा भी आता है, किसी को शादी में जाना होता है, किसी को जनाजे में जाना होता है, लेकिन आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। मेरे ख्याल से अगर बाज़ार खुले हुए हैं, मनी अड्डे खुले हुए हैं, पाकिस्तान पर सारा खुला हुआ है, फिर कोरोना यहाँ पर सिर्फ कोरोना है। मेरे ख्याल से ये हुकूमत की गवर्नमेंट जो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी नाकस पॉलिसियाँ, उस दिन सूबाई असम्बली के अंदर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। मेरे ख्याल से फिलफौर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन इलाकों को खोला जाए। बोल कहाँ से हैं आप? आने जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर जो स्याह हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी जी भाईजान, हम लाहौर से आए हैं, हमें इन्होंने इतना जलील कर रहे हैं, आप यकीन करें कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, इतना रश है यहाँ पे और ये टूर कर रहे हैं, इनके साथ इनको ज्यादती कर रहे हैं, इनको वहीं से कहते हैं गाड़ी मोड़ो और वापस कहते हैं जाओ फौरन जाओ, इतना इतना कोई तंग करना ही कोई अच्छी बात नहीं है। तो क्या आप ये समझते हैं कि आपको इलम नहीं था कि दफ़ा 144 है और कोरोना वायरस की वजह से मुल्क के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन है? क्या पंजाब के अंदर लॉकडाउन नहीं है? बॉस, एस ओ पीज के ऊपर सब अमल दरामद करके तो लोग फिर फिरने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे इलम के मुताबिक तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसने तो मुकम्मल, मेरे ख्याल से 15 अगस्त के 20 अगस्त तक मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई थी। जब आप अगर आपने लॉकडाउन किया ना, तो आपको चाहिए कि जो आप जिनकी सिफारिश चल रही है फिर आप उन्हें भी ना जाने दें, अगर लॉकडाउन करना है आप मुकम्मल लॉकडाउन करें। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हाई लेवल के लोग हैं, जो अफसरान हैं, सरकारी लोग हैं, वो लोग तो चले जाते हैं, जिनकी अप्रोच है वो चले जाते हैं, आम लोग जलील हो रहे हैं। हाँ जी, हमारे सामने की बात है, लोग कुछ लोग अपना अपने कार्ड दिखा के, अपने सरकारी कार्ड दिखा के जो आगे जा रहे हैं, अगर रूल सबके लिए रूल फिर एक होना चाहिए, अब लॉकडाउन करें फिर प्रॉपर लॉकडाउन करें। था लेकिन अगर पंजाब में इतनी आबादी है, वहाँ पे इतना रश होता है, लाहौर में देखें वहाँ पे अगर लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है एसओपीज के तहत, वहाँ पे कारोबार चल सकता है, मार्केटें खुल सकती हैं, तो यहाँ पे भी खोलना चाहिए। यहाँ पे इतना रश नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्याह आते हैं एसओपीज के जरिए, उनको अमल दरामद करवाएं, उनको आगे जाने दें। पंजाब में क्या सूरत हाल है इस वक्त लॉकडाउन? पंजाब में सुनने में आगे 3 तारीख के बाद आपके देखने में क्या है? सुन कुछ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाम मास्क भी नहीं पहनती, इससे ज़्यादा रश है जितना आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मार्केटों में इससे ज़्यादा रश है वहाँ पे। ये देखो रोड की सूरत हाल है, जहाँ लॉकडाउन है, इससे आगे जाएँ थोड़ा आगे जाएँ तो कोई रश नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे पंजाब की मार्केटें हैं, लाहौर में चले जाएँ, एक मार्केट के अंदर इतना रश है, कोई एस ओ पीज भी अमल नहीं हो रहा। अगर सियाल को खोल दें ताकि नारान वाले जो आगे एबटाबाद वाले जो जितने भी लोग हैं बालाकोट वाले, उनका भी रोज़गार चल जाए, सीज़न ख़त्म होने वाला है, 102 महीने रह गए हैं, उनका भी सोचना चाहिए हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बात हरिपुर से? हरिपुर से जी। तो हरिपुर से आने की क्या ज़रूरत थी, आपको पता नहीं है दफ़ा 144 है? नहीं नहीं, हमें तो ये पता लगे कि हमने फ़ोन किया था, कहते हैं आज रास्ता खुल गया। किसे फ़ोन किया था आपने, DPO साहब को या वज़ीर आला साहब? दोस्त इधर रह रहे, वो कह रहे कि रास्ता, दोस्त को छोड़े हैं आप जो है सरकारी खोल गए, कहते हैं इधर भी नारान कागान भी खोल गए, मरी खोल गए। वो बात आपकी दुरुस्त है, बाकी सारे इलाके खुल गए, लेकिन जो कगान न रहा है वो अभी तक दफ़ा 144 यहाँ से आगे दफ़ा 144। अच्छा, तो ये कैसे दफ़ा 144 है, कितने लोग जमा हुआ है? लोग जमा हुए हैं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अप्रोच वाले लोग हैं वो जा रहे हैं? नहीं नहीं, जा रहे हैं ना, अप्रोच वाले लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं बिल्कुल, आगे नाके में कुछ भी नहीं है उनको। फिर इतनी आवाम को तंग क्यों भाई? वैसे ही खामा खा तंग कर रहे हैं आवाम को। तो इमरान खान साहब के लिए आपका कोई पैगाम? मलक का बेड़ा गर्क कर दिए। बहुत शुक्रिया। भाईजान, एसओपी का कारोबार जो है ना सब मुतासिर है। 6 महीने हो गए। आप कहाँ से हैं जी? आप कहाँ से हैं? मानसरा से। मानसरा, हाँ। तो आप लोकल हैं, तो लोकल आबादी को क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि हम टॉप तक गए,
वहाँ से फिर सैफुल मुल्क तक गए, वहाँ पे जो यहाँ से रश है यहाँ वहाँ से उसके ज्यादा है। ये लोग आखिर कहाँ से जा रहे हैं? अच्छा, नरा के अंदर ज्यादा रश है? हाँ ज्यादा रश है, इससे ज्यादा रश है वहाँ पे, सैफुल मुल्क पे जाएं। और आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहिए? ये देखना चाहते हैं कि लोगों को तकलीफ नहीं दी जाए, अगर बंद करना है तो फिर सबको बंद कर दें, फिर कोई बंद अभी आगे ना जाए। पास को बंद हो गए, बीसी हो गए, इन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं, और इनके वहाँ से बाईपास मंसेरा से ही इनको वहाँ से जो सियासी लोग जो सियात वाले लोग आते हैं उनको वहाँ से वापस वापस होना चाहिए, और मंसेरा बेदरा इंटरचेंज से ही निकाह चेक करके जो सियात के लोग आते हैं उन्हें वहाँ से वापस भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका।